के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। बताया जा रहा है कि बीती रात आश्रम में अज्ञात बदमाश घुस गए और जमकर लूटपाट की। लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने दो पुजारी स्वामी योगीराज धर्मप्रकाश और स्वामी योगानंद की पीट पीट कर हत्या कर दी, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल कर दिए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये भोपा थाने में मल्लपुरा गांव है। सवेरे 3:30 बजे के करीब जो है ये यहाँ पर कुछ लोग आए। इन लोगों का कहना है 4-5 की संख्या में थे और लूटपाट करी, जिसमें दो व्यक्तियों की लाठी डंडे की चोट है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है और बाकी 3 लोग घायल हैं, जो कि ठीक है जिला अस्पताल में। बदमाशों की संख्या कितनी थी इस बारे में अभी कोई पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। श्रीनगर में पुलिस ने एक कार से 6 फीटी अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दरअसल इन दिनों पहाड़ों में अवैध शराब की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। देर रात श्रीनगर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार को रोका और तलाशी के दौरान इस कार से 6 फीटी शराब बरामद की। वहीं पुलिस शराब की तस्करी पर नजर रखे हुए है। अल्टो कार से नंबर UA12A2343 ये श्रीकोट की ओर जा रही थी। चीता मोबाइल द्वारा से रोक के चेक किया गया तो इसमें 6 पेटी अंग्रेजी शराब, एक व्यक्ति जो पंकज नाम का है ग्रुप से कर रहा था वो गाड़ी से, तो गाड़ी और जो बरामद शराब को लाकर थाने पर दाखिल किया, मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इसे कुशीनगर में एक सड़क हादसे में एक छात्र नेता की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित भीड़ ने रोडवेज बस को निशाना बनाया। लगभग आधे घंटे तक मचे तांडव के बाद स्थिति पर काबू पाया गया। दरअसल बीती रात कसिया इलाके में एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर ही एक छात्र नेता की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। घायल शख्स कुशीनगर PG कॉलेज का पूर्व महामंत्री है, जिसके बाद गुस्साए छात्रों ने जमकर हंगामा करते हुए 3 रोडवेज बसों में तोड़फोड़ की। 25 वर्षीय एक जो है अभिकथित छात्र की दुर्घटना में मृत होने की बात प्रकाश में आई है। आक्रोशित छात्रों एवं स्थानीय जनता द्वारा जो है रोड पर चलने वाले वाहनों पर पथराव किया गया, जिसमें कुछ बसें क्षतिग्रस्त हुई हैं। स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है, विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बाद में पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आक्रोशित भीड़ को शांत कराया। मेरठ के थाना नौचंदी इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हापुड़ रोड पर मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में जमकर मारपीट हुई और गोलियां भी चली, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि हापुड़ रोड के RTO मोड़ पर मुस्तकीम मलिक के मैरिज हॉल का निर्माण कार्य चल रहा था, जहां एक मजदूर पानी से निर्माणाधीन दीवारों की तराई कर रहा था। तराई के दौरान दूसरे शख्स पर पानी की छींटे चली गई और मामला बढ़ गया। वहीं दूसरे पक्ष ने भी आरोप लगाया है कि इस मैरिज हॉल का निर्माण अवैध रूप से किया जा रहा है। बरेली के जोगीनवादा इलाके में आज एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। मृतक शख्स का नाम धर्मेंद्र है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक धर्मेंद्र का ओम प्रकाश नाम के शख्स से जमीनी विवाद चल रहा था। बीती रात धर्मेंद्र शराब पीकर घर आया था और आज सुबह धर्मेंद्र की लाश एक प्लाट में मिली। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। बदायूं जिला कोर्ट से जुलाई 2011 में पुलिस अभिरक्षा से फरार 5000 के इनामी बदमाश को आज बदायूं पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है।
बदायूं पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने 5,000 के इनामी बदमाश प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। प्रशांत जुलाई 2011 में पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। दरअसल प्रशांत वर्मा 2010 से एक हत्या के आरोप में बदायूं जिला जेल के अंदर बंद था और जुलाई 2011 में जेल से पेशी पर लाए जाते समय पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। तभी से पुलिस इसकी तलाश में जुटी थी और इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 5,000 का इनाम भी घोषित किया था। मुखबिर की सूचना पर सीओ सिटी के नेतृत्व में पुलिस ने आज इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी मान रही है। प्रशांत वर्मा की गिरफ्तारी पर बदायूं एसएसपी ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 5,000 रुपए का इनाम भी दिया है। वहीं आरोपी प्रशांत का कहना है कि उसके फरार होने में पेशी पर लाए जाने वाले पुलिसकर्मी भी शामिल थे। उन्नाव के गंगाट क्षेत्र में रामलीला को जगह न मिलने के विरोध में रामलीला कमेटी और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठीबाजी। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कई घंटों तक गंगा पुल पर जाम लगा कर रखा था। पुलिस ने लोगों को समझा बुझा कर जाम को खुलवाया। लाठीचार्ज में दर्जन भर लोग बुरी तरह घायल हो गए। दरअसल गंगाट के ऋषि आश्रम में हर साल रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसके बदले में रामलीला कमेटी ऋषि आश्रम ट्रस्ट को जगह का पैसा भी देती है, लेकिन हर साल ऋषि आश्रम ट्रस्ट मनमाने तरीके से जगह की कीमत बढ़ा देता है, जिसके चलते कई बार विवाद हो चुका है। और इस बार भी ट्रस्ट ने रामलीला कमेटी से जगह के बदले 1,00,000 रुपए की डिमांड की थी। लेकिन मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना अंतर्गत छेदापुर मोहल्ले में कबाड़ी की दुकान में जोरदार विस्फोट हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस अभी तक इस विस्फोट की जांच कर ही रही थी कि मुखबिर की सूचना पर छापेमारी के दौरान शहर की घनी बस्ती नियाजपुरा मोहल्ला में बिना लाइसेंस के संचालित एक पटाखे के गोदाम में लाखों रुपए के पटाखे और विस्फोटक बरामद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा में होने वाले फार्मूला 1 रेस के विरोध में अब ग्रेटर नोएडा की तमाम किसान संघर्ष समितियां एकजुट हो गई हैं। आगामी 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक जब ग्रेटर नोएडा में फार्मूला 1 रेसिंग होगी, उसी दौरान ग्रेटर नोएडा के किसान बुद्धा सर्किट के बाहर ही कबड्डी का टूर्नामेंट कराएंगे। टूर्नामेंट को लेकर आज तमाम किसान संघर्ष समितियों ने एक बैठक की। बैठक में सभी किसान नेताओं ने फार्मूला 1 रेस का विरोध करते हुए कबड्डी टूर्नामेंट के फैसले पर मुहर लगा दी। किसानों का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च कर फार्मूला 1 रेसिंग कराई जा रही है, लेकिन ग्रेटर नोएडा में कबड्डी, कुश्ती और हॉकी जैसे परंपरागत खेलों के लिए जगह ही नहीं छोड़ी गई है, जिससे युवा इन खेलों से दूर होते जा रहे हैं। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रू केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, तुलसी सादा पान मसाला। It's fabulous. बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। हेलो,
है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। शामली में पुलिस ने पैसे ना देने पर ड्राइवर को गाड़ी से खींचा, पहिए के नीचे आने से ड्राइवर की मौके पर ही मौत। गुस्साई भीड़ ने पुलिस कर्मियों को जमकर पीटा। मुरादाबाद में हाईवे पर मिली गंभीर रूप से घायल युवती, पुलिस को आशंका, तेजाब डालकर की गई है युवती को जान से मारने की कोशिश। गाजियाबाद की रहने वाली है युवती। गोंडा में सीएमओ कांड के बाद बड़ी कार्रवाई, डीएम एसपी सीडीओ के साथ ही पीड़ित सीएमओ का भी तबादला, लखनऊ के कमिश्नर करेंगे मामले की जांच। नोएडा में सुपरटेक के ऑफिस के बाहर बायस ने किया हंगामा, बिल्डर पर मनमाने तरीके से बुकिंग कैंसिल करने का आरोप। लखनऊ में इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के स्टेट हेड पर महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ का आरोप, पीड़ित की शिकायत पर आरोपी को पुलिस ने लिया हिरासत में। सलमान खुर्शीद के ट्रस्ट में घोटाले के आरोपों की जांच शुरू, ईओडब्ल्यू कर रही है मामले की जांच, जल्द हो सकती है जिला विकलांग कल्याण अधिकारी से पूछताछ। सलमान खुर्शीद के इस्तीफे पर अड़े अरविंद केजरीवाल, जेल से रिहा होने के बाद फिर धरने पर बैठे, कहा सलमान के इस्तीफे तक जारी रहेगा विरोध। टिहरी लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा, महारानी राजलक्ष्मी ने 22,431 वोटों से साकेत बहुगुणा को हराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। पश्चिम बंगाल की जांगीपुर लोकसभा सीट से जीते कांग्रेसी उम्मीदवार अभिजीत मुखर्जी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं अभिजीत, सीपीएम उम्मीदवार को 2,500 वोटों से दी मात। और गुरु की गुमशुदगी मामले में सीबीआई जांच का रामदेव ने किया स्वागत, अपने ऊपर लगे आरोपों को किया खारिज। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। सुरों का ऐसा जादूगर जिसके सुरों का जादू आज भी बोलता है, गायकी के नए आयामों को पिरोने वाला एक ऐसा गायक जिसकी गायकी के सुरेली सुर अब भी लोगों के जहन में ताजा हैं, आज भी गुदगुदाते हैं, आज भी रुलाते हैं। जादुई आवाज, अलग अंदाज, ये थी किशोर की पहचान। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। किशोर कुमार, जादुई आवाज, अलग अंदाज, मस्त मौला, हर्षवन मौला, किशोर जिनकी थी हिंदी सिनेमा में एक अलग ही पहचान, ऐसे थे किशोर कुमार। बाबू समझो इशारे और पुकारे, बम बम बम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम, बाबू समझो इशारे और पुकारे, बम बम बम। आभास कुमार गांगुली, वो लेजेंड जिन्हें किशोर कुमार के नाम से जानते हैं, हिंदी सिनेमा जगत के एक ऐसे गायक जिनका गाया हर गाना है दिल की बेहद करीब, आज भी उनकी सुनहरी आवाज का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। अर्जी हमारी ये मर्जी हमारी, जो सोचे बिना ठुकराओगे देखो बड़े पछताओगे, अर्जी हमारी ये मर्जी हमारी, जो सोचे बिना ठुकराओगे देखो बड़े पछताओगे। अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जन्मे किशोर के पिता कुंजीलाल वहां के जाने माने वकील थे। किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। किशोर कुमार अपने भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। किशोर कुमार सिर्फ गायक ही नहीं बल्कि वो तो हरफन मौला कलाकार थे। वो गायक के साथ साथ एक बेहतरीन अभिनेता, गीतकार, निर्माता, लेखक और निर्देशक भी थे। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं,
तुमसे कुछ और जो मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत किशोर कुमार ने एक अभिनेता के रूप में फिल्म शिकारी से की थी। किशोर कुमार को